सरकार गंभीर है। अभी आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि इस बिल की बहुत राजस्थान में आवश्यकता है। जब सारा इलाज फ्री है, फिर उसको मना क्यों करे कोई कि तेरा इलाज नहीं करूंगा, इमरजेंसी में भी क्यों मना करे। तो इमरजेंसी वही है जो WHO की गाइडलाइन के अनुसार है, वो हमने कह दिया। WHO की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार इमरजेंसी उनको इलाज करना पड़ेगा। ये उसका पहला धर्म है, पहला उसका सेवा भी है और कमाई भी है। सेवा कमाई कमाई नहीं, सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आदमी उसका इलाज करने से मना कर सकता है क्या? आम आदमी भी मना नहीं करता, तो डॉक्टर कैसे मना कर सकता है? ही तो सरकार कह रही है उससे, इमरजेंसी में मना नहीं कर सकते, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। डॉक्टर मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर्स कुछ नहीं, हमारे जो चिरंजीवी से जुड़े हुए हैं, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो चिरंजीवी का इलाज नहीं कर रहा, सारा इलाज कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं, बड़े लोग, जो चिरंजीवी योजना से जुड़ना नहीं चाहते। इस राइट टू हेल्थ बिल के आ जाएगा तो उनको भी जुड़ना पड़ेगा। अभी जयपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, आपका नारायण हृदयाल है, फोर्टीज है, नहीं जुड़े हुए हैं। राइट टू हेल्थ आने के बाद इसको सबको जुड़ना पड़ेगा, सबको इलाज करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। चिरंजीवी योजना का बजट भी बढ़ाकर, कुछ सोचता नहीं था इतना कि 25 लाख एकदम बढ़ाकर उसको 25 लाख तक कर देंगे परिवार। मॉडल स्टेट है देश में कई, मैं तो कहता विदेशों में भी नहीं कि 25 लाख का इलाज फ्री हो, बिना कोई एक पैसा दिए भर्ती हो जाए, बिना इसके इलाज हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है प्रदेश। देख लीजिए वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कितनी संजीवनी घोटाला के 1000 करोड़ का मुलजम है, पूरा परिवार मुलजम है, बात नहीं करते। कांग्रेस होती थी एक मिनट में मिनिस्टर से हटा देते उसको, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते। अचानक मुद्दा कैसे आया? मुद्दा कैसे, पहले से ही आज का है कि मुद्दा 10 साल पुराना है? तो आज का थोड़ी है, एसओजी के पास सबूत है तो सर गिरफ्तार, जब गिरफ्तारी भी होगी क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी गिरफ्तारी? कानून से ऊपर कोई नहीं है देश में, कानून सबके लिए एक है, कानून सबके अलग नहीं, बीजेपी की सरकार कानून को अलग अलग मानती है। क्यों नहीं होगी गिरफ्तार? अगर मैं अपराध करूंगा मैं नहीं होऊंगा, कानून से ऊपर है। अभी अभी पवन खेड़ा जी को अरेस्ट किया है सर एयरपोर्ट, ये सब करेंगे, जो करना है इनको सब करेंगे, पूरे पाप करेंगे। छत्तीसगढ़ में किया, वहाँ छापे डाल रहे, अधिवेशन हो रहा है, सब कांग्रेसियों के छापे डाल दिए, मकान सीज कर दिए, ईडी के छापे अडानी जी के क्यों नहीं डालते? इतनी बड़ी 6 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, कुछ काम नहीं हुआ। अडानी का नाम भी लेता है कोई बीजेपी का नेता? अडानी का जो 600 नंबर पे से 2 नंबर पहुंच गया वो लेता है नाम? इतनी बड़ी पार्लियामेंट नहीं चलना, कांग्रेस की सरकार में तुरंत JPC का गठन हो जाता है कई मामलों में। कांग्रेस ने पहले JPC बनाई है, इन्होंने एक अपने कार्यकाल में किसी बड़ी मांग हो कभी JPC नहीं बनाया, किसी की जाँच नहीं कराई। कांग्रेस के लोग ही है क्या जिनके ईडी के छापे डाले? बीजेपी में नहीं के पैसे वाले लोग, बीजेपी में ऐसे लोग नहीं क्या? सब जगह है, किसी एक के भी छापा डालेंगे कभी? कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक दुर्भावना है। राजनीतिक दुर्भावना इस देश की जनता कोई भी करे उसको बर्दाश्त नहीं करती।